ये मेरे लिए कह रहे हैं कि आपने बताया था कि अगले कल्प में ब्रह्मा जी की उपाधि भगवान हनुमान जी को मिलेगी, तो जो अभी ब्रह्मा जी हैं उपाधि हैं उपाधि पर हैं उनका क्या होगा? तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि कल्प हर बार नए नए ब्रह्मा विष्णु महेश हर बार फिर समय पूर्ण हो जाता है, फिर लीन हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो अपने निज स्वरूप में। ये उनका एक प्रकृति का रूप है, प्रकृति में आते हैं, और एक इनका प्रकृति के पार का रूप है। तो ये ब्रह्मा जी कभी कोई बनता है कभी कोई बनता है, और कई कई बार स्वयं भगवान बनते हैं, लेकिन इस समय विष्णु शिव दुर्गा गणेश सूर्य ये तो स्वयं भगवान बने, और वर्तमान में जो ब्रह्मा है पंच परमेश्वर में वो ब्रह्मा जी भगवान नहीं कोई जीव है जो मुक्त हो चुका था भगवान की उससे, तो वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त हो। महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपने बताया था अगले कल्प में ब्रह्मा जी की उपाधि भगवान हनुमान जी को मिलेगी, तो क्या अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनका फिर क्या होगा? वो जन्म लेंगे? नहीं, वो तो प्रभु के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो तो मुक्त हो तो मुक्त इसका है। प्रमाण क्या? प्रभु के पास चले जाएंगे, जैसे गीता में कहा आप ब्रह्मा बूना लोका, आप ब्रह्म बूना लोका पुनरावर्ति नो अर्जुना, तो ये यहाँ से ब्रह्मलोक तक सब जन्मण के चक्कर में है, सब आवागमन के, तो ये फिर मुक्त कैसे होगे ब्रह्मा जी? क्योंकि वो तो भगवान की एक तो ये जो ब्रह्मा है ये भगवान की जो स्वरूप है तो भगवान में मिल ही जाते हैं, लेकिन जो जीव ब्रह्मा होता है वो भी ऐसे तपस्या इसकी उसकी साधन रहता है जो जीव लोक में दोबारा आने की उसका संभावना नहीं होता, इसलिए वो प्रभु के पास है अपने धाम में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया कि ब्रह्मा अगले से कोई कभी भी सृष्टि जब नई बनती है, नए ब्रह्मा विष्णु पंच परमेश्वर नए होते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी जो बने कई बार स्वयं भगवान बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और गणेश पंच परमेश्वर, और कई बार होता है यदि कोई जीव इस योग्य हो तो कोई जीव बन सकता है, जैसे ब्रह्मा जी अब की बार भगवान नहीं कोई जीव है, तो कौन सा जीव ब्रह्म पदवी को प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी कौन जीव बना? जो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से जो आत्मा छूट गई और भगवान के अंदर लीन हो चुकी है, उसको बोलते हैं सायुज्य मोक्ष। जिसको सायुज्य मोक्ष मिल गया, जो भगवान के अंदर लीन हुई, उसमें कोई एक आत्मा, लेकिन उसमें तो अनंत आत्मा है भगवान के अंदर, तो जो भगवान के अंदर समा चुके अनंत अनंत आत्मा, कौन सी आत्मा ब्रह्मा बनेगी? केवल वो आत्मा ब्रह्मा बनेगी जो ज्ञान के मार्ग से सायुज मोक्ष तो प्राप्त कर गई, लेकिन उनके भीतर थोड़े से अंश में प्रेमा भक्ति का संस्कार रहा हो, उसी को भगवान ब्रह्मा बनाते हैं। भगवान के अंदर तो अनंत अनंत आत्माएं समा चुकी हैं, लेकिन हर आत्मा ब्रह्म पदवी को प्राप्त नहीं हो सकती, केवल वो आत्मा जो समा तो चुकी है, जन्म मरण से छुटकारा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर प्रीति के प्रेम के कुछ संस्कार हैं जो उत्पन्न मने प्रकट नहीं हो सके, ज्ञान उनके ऊपर हावी रहा, किसी संत महापुरुष की कृपा दृष्टि तो पड़ गई प्रेम प्रेमी संत की, लेकिन वो पनपा नहीं बीज, ज्ञान मार्ग में चलते रहे, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर गए, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सके, ऐसी जो आत्मा है उसको फिर अवसर मिलता है, तो वो दोबारा सृष्टि में भी आम जीव की तरह आ सकती है और ब्रह्म पदवी को भी प्राप्त हो सकती है, उसी में है ब्रह्मा जी वर्तमान में। तो आपने कहा कि अगले कल्प में ब्रह्मा जी बनेंगे हनुमान जी, तो हनुमान जी ब्रह्मा जी का क्या होगा जो वर्तमान में ब्रह्मा, ये भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि द्वादश भागवतों में ब्रह्मा जी का भी ना, आप बताएंगे द्वादश भागवतों के बारे में। स्वयंभू नारद स्वयंभू नारद मनु नारद जी स्वयंभू नारद शंभु महादेव महादेव कुमार कुमार सनकादिक ऋषि और कपिल कपिल भगवान मनु मनु महाराज प्रहलाद जनक विषम प्रहलाद जी महाराज जनक और भीष्म पितामह, ये द्वादश भागवत हैं, परम भागवत भगवान के प्रेमी रसिक जन भक्त हैं ये, तो उसमें ब्रह्मा जी का भी नाम आ चुका है, तो ब्रह्मा जी का क्या होगा? जब ब्रह्म पदवी इनकी छूटेगी तो ब्रह्मा जी भगवान के धाम में चले जाएंगे, भगवान के अंदर नहीं समाएंगे, क्योंकि पहले कल्प के जीव था जो भगवान के अंदर समा गया, उनको भगवत प्रेम का अवसर मिल रहा है, वैष्णव बनने का अवसर मिल रहा है, इसलिए द्वादश भागवत के एक भागवत है तो उनको कैसे जन्म हो सकता? हाँ, इसलिए उनका जन्म नहीं होगा, वो भगवत धाम में चले जाएंगे। ब्रह्मलोक में जो पहुंच जाता है अपने पुण्यों के प्रभाव से, उसका दोबारा जन्म होता है, और आप ब्रह्म बूना लोक का पुनरावर्तन अर्जुन, गीता में भी कहा ब्रह्म लोक तक सब पुनर्जन्म ही है, तो ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं उनमें रहने वालों का सबका जन्म होगा, तो एक तरफ कहते हैं जन्म होगा ब्रह्म लोक तक सबका, और एक तरफ अभी
बताया महाराज जी ने कि मुक्त हो जाएंगे, तो कैसे मुक्त होंगे? तो आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन अर्जुन, उसका क्या अर्थ रहा? इसका महाराज ये है, जैसे स्वर्ग में, स्वर्ग में भी देवता दो प्रकार के होते हैं। एक तो देवता हो जाते पूरे मन मंत्र तक रहते हैं, जैसे अजान देवता, अजान देवता जिसको बोलते हैं, जैसे इंद्र है, अग्निदेव, वायुदेव, ये सब जो है पूरे मन मंत्र तक रहेंगे। लेकिन एक होते हैं जो अपने पुण्यों के प्रभाव से जाते हैं और फिर अपना पुण्य क्षीण होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जो अपने केवल पुण्यों के प्रभाव से, केवल उन्हें खूब इतना पुण्य किया जो इंद्र इंद्र यानी स्वर्ग में भी उस सुख को नहीं भोग सकते, तो उनको ब्रह्मलोक मिलता है। लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं किया, ज्ञान मार्ग पे नहीं चले, ना ज्ञानी ना ज्ञानी थे, ना भक्त थे, ना भक्ति थे, तो लेकिन पुण्य अधिक किए तो ब्रह्मलोक में चले गए, तो वो पुण्य भोग कर उनका दोबारा जन्म होगा, ये तो गीता में भी कहा आप ब्रह्म भुवना लोक, ठीक है। लेकिन मुक्त भी हो जाएंगे, ब्रह्मा जी कैसे मुक्त हो जाएंगे? जी जी महाराज, अब ब्रह्मा जी कैसे मुक्त हो और ब्रह्म लोक में भी कोई ऐसे प्राणी जो मुक्त हो जाएंगे? जी जी, दोनों का शास्त्र में प्रमाण है, भागवत जी के दूसरे स्कंद में है इसका प्रमाण। सुखदेव जी कहते हैं जो दो प्रकार के व्यक्ति की मुक्ति होती है, एक सद्य मुक्ति, एक कर्म मुक्त। तो सद्य मुक्ति तो उसको कहते हैं जो इसी जन्म में जिसका कल्याण हो गया, मरते समय जिसने भगवान को याद किया या ब्रह्म में जिसकी स्थिति हुई तो उसका काम बन गया, उसी समय मुक्त हो गया। लेकिन एक वो होते हैं कर्म मुक्ति, एक कर्म मुक्ति होता है जिसका अंदर में दया की भावना है, विशेष दया, संसार को लेकर परोपकार की भावना, मतलब माया से मुक्त हो चुके हैं वो, लेकिन उनमें दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति दया भाव विशेष है, इनका हम कल्याण करें, इनके लिए कुछ करें। तो ऐसे जो सिद्ध महापुरुष हैं वो ब्रह्मलोक में, जनलोक, तपलोक, महरलोक में चले जाते हैं, तो जब तक महाप्रलय नहीं आएगी तब तक वो वहीं रहेंगे और जीवों का कल्याण करते रहते हैं। जीवों का कल्याण, क्योंकि उनमें ये होता है उनकी दया भावना देके कहते ठीक है तुमको इन सिद्ध मंडली में मिला लेते हैं, फिर उनको ब्रह्मलोक में उनको रखा जाता है, या जनलोक, तपलोक, महरलोक में भी रह सकते हैं जिसकी जैसी स्थिति है। फिर उनका उद्धार कैसे होगा? फिर उनका जो उद्धार है, फिर ब्रह्मा जी उनको अंत में उपदेश देते हैं जो ज्ञान महाप्रलय के समय, जब महाप्रलय आएगी, जब महाप्रलय आएगी अंत में, तो उस समय जो ज्ञान मार्ग के पथिक है उनको आत्म तत्व में प्रतिष्ठित कर देंगे, क्योंकि दया को भी एक माया का एक गुण कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल, दया सतोगुणी माया है, सतोगुणी माया कहा गया दया को भी। तो वो के सब तभी तो माया कहा ना कि दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। तो भागवत जी में तो दया भी फंसा देती है माया में। बिल्कुल, ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा है दया को भी छोड़ना पड़ेगा, भागवत जी में है श्लोक, बिल्कुल दया को भी त्यागना पड़ेगा, पूर्ण प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस प्रकार, लेकिन उनमें दया गुण संतों की दयालुता है। हां बिल्कुल, ये तो सत्वगुणी, सत्वगुणी है। तो लेकिन उस समय उनको फिर आत्म तत्व प्रतिष्ठित, दया को भी छोड़ो अपने आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ, तो वो ज्ञान मार्ग से मुक्त हो जाते हैं। और जो भक्ति मार्ग है सबको तो परमात्मा करने वाले, तो उनके शरण, क्योंकि ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित हो गए वहां दया इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि सब मेरा ही रूप है, अपने ऊपर कभी दया नहीं की थी। और यदि प्रेम में चले गए तो सब तो श्री कृष्ण के रूप बन गए उनके लिए, हम दया कृष्ण के ऊपर करेंगे, किस पे दया करें? तो आत्मवत सर्वभूतेषु हो गया वहां पे, तो वहां तो पूर्णता होगी, वहां तो दया की भावना भी नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि सब मेरे श्री कृष्ण के रूप है, तो सब के आगे झुका रहेगा, दया कहाँ करेगा।